नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। बात करते हैं अमेठी की, जहां अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दो दिवसीय दौरे पर आज अमेठी पहुंची। सबसे पहले उन्होंने अमेठी कस्बे में स्थित सगरा तालाब का निरीक्षण किया। स्मृति के साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे। साथ में पर्यटन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी सगरा तालाब का निरीक्षण करने गए। सगरा तालाब को झील के रूप में विकसित किया जाएगा और तालाब का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां रेलवे स्टेशन का DRM लखनऊ के साथ निरीक्षण किया। अमेठी रेलवे परिसर में वाईफाई का शुभारंभ भी किया गया। DRM के साथ पूरे रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके बाद स्मृति ईरानी अमेठी रेलवे स्टेशन निरीक्षण यान ट्रेन से गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया गया और उनके साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और रेलवे DRM मौजूद रहे। गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन भवन सहित स्टेशन परिसर पर बुनियादी सुविधाओं को लेकर निरीक्षण किया गया और वाईफाई सुविधा का भी शुभारंभ किया गया। इसके बाद स्मृति ईरानी और अपर मुख्य सचिव और DRM और रायबरेली के जिला अधिकारी के अलावा अमेठी जनपद के अन्य अधिकारियों के साथ कलेक्टर परिसर में ऊंचा हार अमेठी सुल्तानपुर नई रेलवे लाइन को बनाने के लिए बैठक की गई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दो दिवसीय दौरे पर पहुंची, लेकिन इस दौरान वह शहर के गौरीगंज क्षेत्र में स्थित एक पान की दुकान पर पहुंचकर टॉफी और चिप्स खरीदने के साथ ही उन्होंने दुकानदारों से पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करने की नसीहत दे दी। उनके ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। देखिए आप भी पहले दुकानदार को नसीहत देती स्मृति ईरानी। उधर जाओ, उधर जाओ। वहीं अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि तालाब के सौंदर्यीकरण के अलावा आज कई अन्य बड़े कार्यों को लेकर भी बैठक की गई और जल्द ही जिले में काम भी शुरू हो जाएगा। वहीं बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि स्मृति जी का जो दौरा था वो यहाँ के विकास के लिए अमेठी में विकास का काम में हिस्सा हो रहा है। टूरिज्म सगरा ताल के विकास के लिए पर्यटन विभाग के क्रियावान हो रहा है। लोधी बाबा मंदिर, जायसी स्मारक, हनुमानगढ़ी मंदिर, नंद बाबा मंदिर, अहिरबन भवानी मंदिर, तिलोई का विकास होगा। रायबरेली में भी स्वदेश दर्शन के तहत विकास होगा। गौरीगंज स्टेशन के पास में पुलिस स्टेशन बनाने को कहा गया है, साथ ही ब्लॉक स्तर पर फायर स्टेशन बनाने को कहा गया है। पर्यटन का प्रस्ताव अगले 2 सप्ताह में पहुंच जाएगा। एक बार पास हो जाए प्रस्ताव तो 12 से 16 महीने में काम पूरा हो जाएगा। क्राइम कम हो इसको लेकर लगातार काम हो रहा है। महिलाओं से जुड़े अपराध खत्म करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।